वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में। आज जो मैं साड़ी लेके आया हूं वो गढ़चोला साड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, ये पूरा गढ़चोला साड़ी है। मेरे साथ में दोस्तों वीडियो के पूरा एंड तक बने रहे, क्योंकि मैं इसका प्राइस आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा और कौन कौन से कलर्स है, कितने शेड्स है अवेलेबल है, मैं आपको सारा बताऊंगा। देख सकते हो दोस्तों ये साड़ी है, तो इस साड़ी की डिटेल जानते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो इसके बॉर्डर की बात करें तो दोस्तों इसका जो बॉर्डर आएगा वो पूरा जरी का बॉर्डर है, आप देख सकते हो ये वाला पूरा बॉर्डर आएगा, पूरा इस टाइप से, पूरी साड़ी में पूरा बॉर्डर है इस टाइप से। दोनों बाजू काफी अच्छा बॉर्डर पे डिजाइनिंग किया हुआ है, काफी अच्छा जरी वर्क किया हुआ है। इस साइड में भी ये बॉर्डर आएगा और इसकी जो जो अपोजिट साइड है उसमें भी यही डिजाइन आएगा, सेम डिजाइन है। और जो बीच वाला पार्ट है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, बीच वाले पार्ट में जो जो अंदर की तरफ चेक से पूरे जो जरी से काफी प्यारी जरी वर्क किया गया है इसके अंदर, आप देख सकते हो काफी अच्छा जरी वर्क किया गया, काफी अच्छा चीज है ये। और पूरा ये हैंडवर्क है, आप बीच में जो येलो कलर के जो लड्डू दिख रहे हैं आपको दोस्तों, जो बंदेज दिख रही है, लड्डू बंदेज बोलते हैं इसको, ये भी पूरा हाथ से बनता है, पूरा हाथ से बनने के बाद ऐसा डिजाइनिंग होता है। ये पूरा नेचुरल टाई डाई कंसेप्ट है, पूरा हैंड प्रोसेस से बनता है ये, पूरा हैंडमेड साड़ी है ये और गढ़चोला साड़ी है। आप देख सकते हो इसका पूरा ऑल ओवर लुक, ये पूरा इसी टाइप से ऑल ओवर साड़ी है, पूरा ऑल ओवर साड़ी, पूरे में जो बारीक चेक्स बने हुए हैं, डिजाइनिंग वाला चेक्स है इसके अंदर, चेक्स पे भी काफी अच्छा डिजाइनिंग किया हुआ, देख लीजिए इस टाइप से काफी अच्छा इसका डिजाइनिंग है, काफी प्यारी साड़ी है। और इस साड़ी को रोल प्रेस होता है, पॉलिश होने के बाद ये पूरा फ्लैट होता है, खुलता है, ये 44 का लेंथ होता है, ये प्योर फैब्रिक है दोस्तों, ये ड्राई क्लीन होता है, तो पॉलिश होने के बाद पूरा फ्लैट होता है ये। और इस पे जो येलो कलर के ये लड्डू बंदेज है, आप देख सकते हो ये भी पॉलिश होने के बाद प्रॉपर खुलते हैं इस पे, तो काफी प्यारी साड़ी है ये। और इसके पल्लू की बात करूं तो दोस्तों ये वाला इसका पल्लू आएगा, देख पूरा हैवी इस पे पल्लू है, जिसमें बीच में बड़े बड़े बूटे है, आपको देखो क्लोजअप करके दिखा देता हूँ, बीच की तरफ बड़े बड़े बूटे आएंगे, ये पूरा जरी वर्क का काम है, जो कपड़े के अंदर ही जरी है ये, इस पे कुछ भी प्रिंट किया हुआ नहीं है, पूरा हैंड मेड जरी है ये। और गढ़चोला साड़ी काफी ट्रेडिशनली साड़ी है, एवरग्रीन कंसेप्ट है, देख सकते हैं काफी प्यारा साड़ी है ये। और इसका ब्लाउज आएगा दोस्तों, ये वाला इसका ब्लाउज है, मैं आपको ब्लाउज दिखा देता हूँ, इसको ये वाला इसका ब्लाउज आएगा, पूरे ब्लाउज में देखिए अब छोटी छोटी बूटियां हैं इस टाइप से, जो जरी वर्क की बूटियां है, छोटी छोटी बूटियां आएगी। और जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर पे भी पूरा जरी वर्क का काम है, जो साड़ी पे बॉर्डर है वैसा ही इसका ब्लाउज में बॉर्डर है, दोनों साइड में इसका बॉर्डर आएगा। और फैब्रिक की बात करूँ तो ये प्योर फैब्रिक है दोस्तों, 100% प्योर फैब्रिक है, घर पे वॉश नहीं होता ये, पूरा ड्राई क्लीन फैब्रिक है ये। पूरा राजस्थानी हैंडमेड आइटम है ये, प्रॉपर हैंडमेड आइटम है, कुछ भी मशीनरी वर्क नहीं है, पूरा हैंड प्रोसेस आइटम है। और इसका प्राइस है दोस्तों 2205 रुपए की ये साड़ी है, 2205। अगर जिसको परचेज करनी हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से मेरे को स्क्रीनशॉट डाल के आप साड़ी के बारे में जान सकते हो। और इस साड़ी के रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेशन में मेरे को कमेंट जरूर करिए, जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और ये जो दोस्तों कलर है ये है, मैं आपको कलर दिखा देता हूँ, ये डार्किश रानी शेड है, ये डार्क रानी कलर है। और इसका जो सेकेंड शेड आता है वो तो मैं आपको
सेकेंड शेड है मेरे पास, रेड शेड आएगा वो, ये वाला। इसका जो सेकेंड शेड आएगा वो ये वाला है, ये सेकेंड कलर है और ये फर्स्ट कलर। इसमें दो शेड्स है, काफी अच्छे कलर्स है ये। और मोस्टली इसमें जो गजरेला की साड़ियाँ होती है मोस्टली डार्क शेड ही ज्यादा बनते हैं, क्योंकि डार्क शेड पे ही इनका ग्रेस आता है लुक, इन साड़ी पे डार्क कलर का ही लुक आता है। बिकॉज जितने डार्क होगा कलर उतना उसका जरी का जरी खिल के आता है, इसलिए मोस्टली पिस्टल कलर्स या लाइट कलर्स बहुत कम बनते हैं। तो काफी अच्छी साड़ी है ये, दोस्तों एक बार और बताना चाहता हूँ। काफी लोगों का सवाल आता है कि सर सीओडी दीजिए, तो सीओडी अवेलेबल नहीं है। जब भी कुछ भी अवेलेबल होगा सीओडी तो आपको मिल जाएगी। और काफी काफी कस्टमर्स होते हैं जो काफी हम लोगों के पास लिमिटेड क्वांटिटी होती है, तो आप रिपीटेड हम बहुत कम रिपीटेड करते हैं, या जब भी कोई भी आइटम रिपीटेड होती है तो वो आपको जरूरी मेंशन हो जाएगी आपके आपको जरूरी आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि आपको जरूरी वहां से पता चल जाएगी। दोस्तों काफी अच्छा साड़ी है, काफी डिसेंट साड़ी है और बहुत ही अच्छा प्राइस रेंज में है। मेरा जो इस साड़ी का रेंज है 2205 रुपए की ये साड़ी है, जो प्योरली हैंडमेड साड़ी है विथ लड्डू बंदेज के साथ में, हाथ का बंदेज है अंदर की तरफ। और इस प्राइस रेंज में पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट में गढ़चोला साड़ी अगर इस टाइप की देखने जाओगे तो ये आपको अप्रोक्सली कम से कम 5,000 से स्टार्टिंग होती है इस टाइप की साड़ी, गढ़चोला साड़ी। और हम लोगों का एक्चुअली खुद का मैन्युफैक्चरर है, हम लोग खुद जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम लोग खुद भी एक चीज़ को वाइट कपड़ा लेके बनवाते हैं, तब ये कॉस्टिंग में पड़ता है। और ये मतलब कस्टमर को डायरेक्ट होलसेल से डायरेक्ट डील मिल रही है, होलसेलर से डायरेक्ट डील मिल रही है, तब आपको इतना चीप रेट में आपको मिल रहा है दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी पिछली वीडियो का, तो पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और काफ़ी जल्दी आइटम सोल्ड आउट हो गई थी। तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डिमांड आते हैं कि जो सोल्ड आउट हो गई है वो फिर से मंगा के दीजिए। तो एक्चुअली बनने में काफ़ी टाइम लगता है, जब भी बनेगा तो मैं आपको ज़रूरली इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये वो साड़ी है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट मैसेज करने से पहले दोस्तों जिस साड़ी के बारे में आपको पूछना है उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा जो साड़ी परचेज करनी है, और पेमेंट ऑप्शन जब अकाउंट में पेमेंट हो जाएगा तो आपको कोरियर स्लिप प्रोवाइड की जाएगी और विद इन 4 to 5 days में आपको साड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों ये गढ़चोला साड़ी है, फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो कलर है ये डार्क रानी शेड है। इसमें दो शेड्स अवेलेबल है, एक डार्क रानी शेड है और सेकेंड शेड आएगा डार्क रेड कलर आएगा। ये देखिए सेम डिजाइनिंग है दोनों साड़ी में, सेम डिजाइनिंग है, सेम पल्लू है, सेम ब्लाउज है, कलर का सिर्फ डिफरेंस है। दोनों साड़ी में ओपन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एक साड़ी है वो रेड कलर है, दूसरी साड़ी रानी शेड आएगी, और जो इसका पल्लू आएगा वो ये वाला इसका पल्लू देख सकते हो, काफी प्यारी साड़ी है। ये रोल पॉलिश होता है दोस्तों, पॉलिश होने के बाद पूरा ये फ्लैट होगा, फ्लैट होने के बाद पूरा रिंकल जाता है, चरक होता है ये। और इसका ब्लाउज में फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये इसका ब्लाउज आएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि साड़ी आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बिकॉज ऐसे इसी इस चैनल पे ऐसी ही साड़ियां आपको देखने को मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, गुड।